कारवां टीवी हर पल आपके साथ। सीएचसी क्योलड़िया में एक शर्मनाक घटना हुई है। क्योलड़िया के जगतपुर निवासी लाला राम की पत्नी सावित्री को मंगलवार रात प्रसव पीड़ा हुई तो वो गांव की आशा के साथ पत्नी को एम्बुलेंस से देर रात क्योलड़िया सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां पहुंचते ही जब लाला राम ने दर्द से तड़पती पत्नी को अस्पताल में भर्ती करने को अस्पताल में तैनात नर्स स्टाफ को कहा तो बेरहम महिला स्टाफ नर्स ने रिश्वत नहीं देने के चलते दुत्कार कर दर्द से कराह रही गर्भवती को अस्पताल से भगा दिया। बेचारा गरीब अपनी पत्नी को दर्द से कराहते देखकर जेब में रखे 600 रुपए देकर पत्नी की डिलीवरी की मिन्नतें करता रहा, लेकिन स्टाफ नर्स ने एक नहीं सुनी और महिला और उसके पति को अस्पताल से भगाते हुए अपना कमरा बंद कर लिया। बेचारा किसान मजबूरन हिम्मत कर अपनी पत्नी को वहां से किसी तरह डिलीवरी कराने प्राइवेट अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन असहनीय दर्द सह रही महिला जब गेट पर पहुंची तो उसने वहीं एक बच्चे को जन्म दे दिया। परेशान लाला राम थाने पहुंचा और पुलिस से अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगाई तो पुलिसकर्मी तुरंत ही अस्पताल पहुंचे और अस्पताल गेट पर पड़े जच्चा और बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात 4 बजे घटी इस घटना की जानकारी होते ही नाराज महिला के परिजनों ने इसकी शिकायत थाना पुलिस से की है। क्योलड़िया सीएचसी प्रभारी मुगीश ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने स्टाफ नर्स से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके बाद ही वो इस मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को भेजेंगे। अस्पताल में रुपए लेने की बात सही नहीं लग रही है, फिर भी वो इसकी जांच कराएंगे। अस्पताल में भर्ती जच्चा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। नवाबगंज क्योलड़िया से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? लाला। अब बताइए क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है, हमने एम्बुलेंस को फोन लगाया। आप कहाँ रहते हो? जगतपुर। कहाँ पड़ता है ये? पड़ता है विक्रमपुर के पल्ले पर। कोलड़िया में पड़ता है ना? कोलड़िया बथुरा का। तो क्या हुआ था? हम लेके एम्बुलेंस को फोन लगाओ, हमने एम्बुलेंस को फोन लगाए गए थे, एम्बुलेंस पहुंची थी, हमने आधा फोन लगाओ। कब की बात है? रात की, कल मंगलवार की रात की बात। हाँ मंगलवार 3:30 बजे फोन लगाया, 2:30 बजे फोन लगाओ हमने, तो 3 बजे पहुंची गई एम्बुलेंस। ठीक है। हाँ 3 बजे, 3:15 बजे आई है, 4 बजे हम डॉक्टर 3:30 बजे डॉक्टर के पास पहुँची है। कौन से अस्पताल की बात है? कुलड़िया। कुलड़िया कौन सा? इसी सरकारी अस्पताल की बात। हाँ सरकारी। हाँ फिर क्या? तो हम पहुँचे, डॉक्टर ने ना हमसे पहले आधा पाती थी भर्ती कर लियो, तो आधा के नहीं मानी थी, हमने बोले 5,000 रुपया हमें दो तो भर्ती करेंगे, 5,000 रुपया हमें दो भर्ती करेंगे, तो हमें टाइम बहुत गरीब आदमी, हम ना दे पाऊंगे कहीं, हमें लगता रू गज जो कुछ करें तो कर जाए मारो, हम नहीं करेंगे भर्ती। कहीं हम चले आए, बालक उठे चले आए, तो बालक हमारे आए के गैट के खा बोले पापा से फिर भरे। जब बालक की पैदाइश हुई, कहाँ पर हुई थी बच्चे की पैदाइश? गेट के साथ दो लाठी पीछे मंजिला अस्पताल के गेट पे। हाँ फिर क्या हुआ? कहीं हमने कहे तब डॉक्टर जी उन्होंने बातचीत गए, तो हमने बोले बालक की पैदाइश हुई तो नार कटवा दो भाई डॉक्टर जी, तो बोले गज हमने नहीं कहा 5,000 रुपये हमें चाहिए बच जाओ, कहीं कोई बात ना। तय हमने तय हुए हम पुलिस हूँ दरोगाजी में तेलग्राम लगाया जाए, तेलग्राम दरोगाजी बोले सुबह मिलना हमें। कहीं हमने होमगार्ड वाले जो गए तो होमगार्ड वाले तो आए हमारे पास, फिर होमगार्ड वाले ने आए गए डॉक्टर नहीं जगाओ, डॉक्टर नहीं जगाए तो नार कटवाए दो, तो डॉक्टर नहीं गाई गई तो नार कटू, नार कट के तो भर्ती गई। कै बजे की बात है रात की है? जी 4 बजे। 4 बजे हाँ भर्ती कर, अब भर्ती कर लिया है। हाँ अच्छा, तुमने शिकायत कहाँ कहाँ करी इसकी? शिकायत हमने करी है थाने में करी। अच्छा और सी हो गया हूँ, यही है सी हो गया। सी हो गया कब करी? सवेरे। कहाँ से करी? मोबाइल नेट। अच्छा सी ओ साहब क्या करी? और खूनों का ले लो, खूनों ले लो तुम। हाँ बस उसी में हो गया, अब डॉक्टर ने अपने साइन करें। अच्छा हाँ बरेली भी करी आपने? हाँ। अच्छा आप क्या चाहते हो आप? इसमें मुकदमा लिखो जाए डॉक्टर ने। जो रात में महिला स्टाफ थी, क्या नाम है उसका? भीमा है? भीमा। महिला क्या नाम? भीमा। डॉक्टर नीरा। हाँ। अच्छा आपकी पत्नी क्या नाम? सावित्री देवी। आपका क्या नाम है? लाला राम। कहाँ के रहने वाले हो? जगतपुर। ये कुलड़िया का गाँव है? मथुरा बिलास। कुलड़िया मथुरा बिलास। ठीक। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।